अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। आई एम योर टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस बेटा। आज आपका चैप्टर नंबर 3 से रिवीजन के लिए पेज नंबर 56 और 57 को सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 56 पे जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क। एप्लीकेशन को एक नेटवर्क के साथ शेयर किया जाता है। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र में यूज़ द सेम एप्लीकेशन। एक से ज़्यादा यूज़र एक से एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बैंक, बैंक में कैशियर, मैनेजर, ATM। ये जो कैशियर और मैनेजर और ATM मशीन होती है यूजेज द सेम एप्लीकेशन ओवर नेटवर्क। नेटवर्क के जरिए एक ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे थे। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेज इमीडिएटली। जहाँ एक ही जगह पर अगर जैसे भी किसी भी अकाउंट का बैंक बैलेंस अपडेट होता है तो हर अकाउंट में उसका या हर उसके पॉइंट पर पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग अ नेटवर्क एट होम ऑफिस। वी शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। एक वक्त में इंटरनेट कनेक्शन हम एक से ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में। जैसे देखें आप लैपटॉप पे, LCD पे या अपने मोबाइल पे और कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूज़र कम्युनिकेशन क्या है बेटे? नेटवर्क अलाउज यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ETC। नेटवर्क आपको कम्युनिकेट करने की सहूलत देता है ईमेल, न्यूज़ ग्रुप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क। ये एक नेटवर्क के जरिए फ़ायदेमंद है, ये आप उसको सर अंजाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल है आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्राइजेज द टेक्नोलॉजीज फॉर रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल बाय यूज़र एट डिफरेंट लोकेशन। एक जगह बैठे हुए आप अपने आवाज़ को और अपनी तस्वीर को भेज भी सकते हो और देख भी सकते हो। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। इसके साथ आप स्टोरेज कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो? स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स द लिमिट ऑफ स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी ये है कि आप कंप्यूटर पर कितना डाटा स्टोर कर सकते हो। इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, अगर हम अपना कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें तो हमारे पास स्टोरेज बढ़ जाएगी। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर। हम दूसरे कंप्यूटर की डिस्क स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल स्टोर रिमोटली, और जो दूर भी डाटा पड़ा हुआ है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस सेटअप इस तरह के निज़ाम में आ कंप्यूटर प्रोवाइडर स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। जो कंप्यूटर डाटा अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टोरेज उसको फाइल सर्वर बोलते हैं। एंड कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। तो जो एक्सेस कर रहा होता है उस स्पेस को हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। ये आपकी दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एक वर्क स्टेशन की और डेफिनेशन, और आपके पास फाइल सर्वर की डेफिनेशन भी इसी में। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बेटा, दैट इज़ 57 क्लाइंट सर्वर। इसके ऊपर बस दो ही आपकी हैं डेफिनेशन, देख लें क्लाइंट क्या होता है। अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेसिज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। क्लाइंट ऐसे ही प्रोसेस को कहते हैं जो आपका सर्वर प्रोवाइडर वाली सर्वर्स को एक्सेस करता है। फॉर एग्जाम्पल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट। हम वेब ब्राउजर को क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ईमेल चेक करते हुए। द क्लाइंट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस। जो क्लाइंट होता है वो हमें यूज़र इंटरफेस में यह करता है ताकि हम अपने काम कर सकें, लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कि हम अपने ब्राउज़र पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकें। इट फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट टू सर्वर, ये हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक दे जाता है। विच इन रिटर्न प्रोवाइड्स अ रिक्वायर्ड सर्विस, जो हमें मतलूबा सर्विस मुहैया करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो वेदर अ क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। मोडेम है जैसे जो आपके सिस्टम में लगा होता है या आपका DSL का मोडेम है, वो भी क्लाइंट के तौर पे काम करता है, वो हार्डवेयर है। अगर तो आपने अगर अंदर कोई स्काइप इंस्टॉल किया हुआ या कोई और आपने मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके सॉफ्टवेयर क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है बेटा, अ सर्वर इज़ अ फिज़िकल कंप्यूटर। सर्वर एक फिज़िकल कंप्यूटर होता है डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज, जो कि सर्विसेज रन करने के लिए डेडिकेट किया जाता है। टू सर्व द नीड्स ऑफ ए क्लाइंट, और ये एक क्लाइंट की ज़रूरियात को पूरा करता है डिपेंडिंग ऑन द सर्विस। और इसका पूरी तरह डिपेंडेड होता है जो सर्विसेज हैं दैट इज़ रनिंग, जो चल रही हैं। इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। ये फाइल सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है और वेब सर्वर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ कनेक्शन, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यस, आज के लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।